हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आप 50 में से 40 के सही उत्तर देते हो दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, अन्यथा आपको यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यमुना का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी, कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, मधवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं है पे जरूर जोर दीजिए, क्योंकि नहीं है में अक्सर गलती करते हैं। तो सिंह का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? शार्दुल होता है। बिल्कुल, सिंह यानी कि दोस्तों शेर, ये तो आपको पता ही होगा, तो शार्दुल भी होता है। शेर का पर्यायवाची केसरी भी होता है, व्याघ्र भी होता है, वनिता नहीं होता है। और उसने दोस्तों आपसे क्वेश्चन में नहीं ही पूछा, इसका मतलब वनिता आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वनिता का मतलब इस पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? स्त्री होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, इसे नोट कर लीजिए। बाकी शार्दुल, केसरी और व्याघ्र, ये तीनों ही शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। प्रवेश, नवेश, मूक का वाचाल बिल्कुल होता है, विलोम भूत का भविष्य ये भी होता है, और पुरस्कार का तिरस्कार ये भी होता है। इसका मतलब प्रवेश का नवेश नहीं होता है। तो दोस्तों प्रवेश का क्या हो जाता है? प्रवेश का होता है दोस्तों निकास। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो इसे नोट करते चलिए। प्रवेश का निकास, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। दोस्तों विलोम से रिलेटेड हमने 50+ इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी ट्रिक के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन सी, रोपण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सृष्टि का विलोम शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रलय और संहार दोनों ही इसके विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सामान्य शब्द का विलोम है, तो सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य यानी कोई नॉर्मल व्यक्ति, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशिष्ट व्यक्ति यानी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंधकार शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रकाश, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कबीर की भाषा थी, तो आपको इनमें से बताना कौन सी भाषा थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या थी? ऑप्शन बी, सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से हैं? ऑप्शन ए, शा शा हा। अगर आप एक बार बोल के देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये उष्म व्यंजन इसे क्यों कहते हैं। दोस्तों ये सारी वर्णमाला से रिलेटेड हमने ट्रिक का वीडियो डाल रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, इसके बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। खांसी का तत्सम रूप दोस्तों, खांसी का तत्सम रूप वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन है इसका दोस्तों, ऑप्शन बी, काश। ठीक है, खांसी का तत्सम रूप क्या होता है? काश होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों गाभिन का तत्सम रूप है। आप गाभिन का तत्सम तद्भव का वीडियो अगर आपने देखा है तो आप इसे पहचान जाएंगे। तत्सम तद्भव वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने 100+ इंपॉर्टेंट बता रखा है, तो वहाँ पे आप जाके उसे जरूर देख लीजिए वीडियो को। गाभिन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गर्भिणी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव रूप है? तद्भव रूप यानी आज की बोलचाल भाषा के जो बोलचाल की भाषा है उसके बारे में, तो ये कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल। सिल आपने दोस्तों सुना होगा अक्सर, सिल क्या है? सिल तो आपका हो गया तद्भव हो गया, लेकिन इसका तत्सम भी कई बार पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिए आप, इसका क्या होता है? सिला होता है। ठीक है, सिला यानी कि पत्थर। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका मन में खटकना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि आए थे हरि भजन करने लेकिन ओटन लगे कपास, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है हर परीक्षा में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भागीरथी। दोस्तों बहुत से लोग भागीरथी बोलते हैं तो इसलिए गड़बड़ी करते हैं, तो आपको वर्तनी लिखने का तरीका यही है कि आप जो बोलें शुद्ध बोलेंगे तो ही शुद्ध लिखेंगे, तो उसके लिए आपको वही बोलना ही होगा। जैसे भागीरथी बोलिए ना कि भागीरथी, क्योंकि तो भागीरथी बोलेंगे तो आपके लिए आंसर ये वाला होगा और आप ये टिक करके चले आएंगे, आपको लगेगा आपने सही किया, लेकिन वहीं आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? आधीन, ये दोस्तों गलत है। व्यवहारिक, ये भी गलत है। मिष्ठान, ये भी गलत है। अत्यधिक, ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये तो सही है तो मैंने बता दिया, लेकिन ये गलत क्यों है इनको भी बता देता हूँ कि आधीन का क्या होगा दोस्तों शुद्ध? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अधीन होता है। ठीक है, किसी के अधीन हुआ जाता है ना कि आधीन हुआ जाता है। अब दोस्तों व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, व्यावहारिक ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसे नोट भी कर लीजिए आप लोग। अब मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। ठीक है, मिष्टान होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिष्ठान मिष्ठान मिठाई को जानते हैं, इसीलिए उसी को बोल बोल के वही टिक करके चले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब जो जो मैं वर्तनी बता रहा हूँ इसे नोट करते चलिए, यही परीक्षा में आएंगी। ठीक है, और जो भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सारे वीडियो देख डालिए, सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है हिंदी की दृष्टि से। तो दोस्तों देखिए, अंत्याक्षरी, अब आपको क्या करना है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, पूजनीय ये गलत है, कवित्री ये भी गलत है, तदुपरांत ये भी गलत है। तो पूजनीय का सही क्या होगा दोस्तों? पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, इसका सही शुद्ध रूप लिख लीजिए। और कवित्री नहीं होता है, कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री हो जाएगा, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, तदोपरांत नहीं होता है, क्या हो जाता है? तदुपरांत होता है। ठीक है, तो ये सारे नोट कर लीजिए, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब शुद्ध बताना है आपको। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, यह गलत है दोस्तों। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। अब अगर आप वाक्य शुद्धि वाला वो हमारा वीडियो देखे होंगे तो आप ये सारे तुरंत कर ले जाएंगे। दो वीडियो बनाए हमने वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, दोनों ही ज़बरदस्त वीडियो हैं, और देख के आपको एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने उसमें ट्रिक भी बता रखी है, तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। अब देखिए, संपूर्ण देश भर में, भर में लगाने से क्या भाई, संपूर्ण देश का मतलब अपने आप में हो गया कि पूरा देश की बात कर रहा है, तो भर लगाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए भी गलत हो गया। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो ये भी दोस्तों गलत हो गया। क्यों हो गया? अभी मैं सही बताता हूँ। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये सही है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले वाले की। व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, दोस्तों यहाँ पे यह का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं था, सिर्फ व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं ये होता तो ये सही हो जाता। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, यहाँ मैंने बताई दी आपको कि भर ना होता तो ये भी सही हो जाता। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो देखिए भाई ने भाई के साथ नहीं, भाई ने भाई से सलाह की, यहाँ पे के भी नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ से आता तो ये हो जाता, भाई ने भाई से सलाह की, ये ज़्यादा सही होता। अब कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो यहाँ पे तो ये तो सही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देशज शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, लोटा। देशज विदेशज शब्द पे हमने वीडियो डाल रखा है, उसे ज़रूर देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समास है, अब वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समास से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो समास है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्शन सी, दो पदों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। तो इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। राजकाज में कौन सा समास है दोस्तों? तो समास का वीडियो, अगर आपने वो ट्रिक का वीडियो देखा है तो तुरंत कर ले जाएंगे। क्या है दोस्तों यहाँ पे? राजकाज, राजकाज यानी कि राजा का काज, यानी राजा का कार्य।
तो मैंने क्या बताया था, जहाँ कहीं पे भी का की ये सारी चीज़ें आएँ वो क्या हो जाता है, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने उस ट्रिक के वीडियो में बता रखा है, उसे ज़रूर देखिए। संधि है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संधि और समास में दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन पदों का मेल होता है, कौन वर्णों का मेल होता है, इसीलिए अक्सर वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो संधि दोस्तों क्या है, नोट कर लीजिए, दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक जाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि विच्छेद। ऑप्शन ए वाक प्लस जाल संधि विच्छेद का, दोस्तों हमने तीन वीडियो डाल रखे हैं जो कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के पार्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने वो तीनों पार्ट देख लिए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से लगा ले जाएंगे। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, अब दोस्तों देखिए ये संधि से रिलेटेड मैंने ट्रिक में बताया था, क्या बताया था, जहाँ कहीं भी ए आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वृद्धि संधि। और दोस्तों लगे हाथ मैं आपको यहाँ पे इसका संधि विच्छेद भी बता देता हूँ, ये क्या होता है, सदा प्लस ए, बहुत ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वृद्धि संधि इसका आंसर हो जाएगा। रस के चार अंगों में कौन नहीं है, तो रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और अविभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा कौन सा होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, चौथा होता है दोस्तों संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव जिसे एक नाम और बहुत ही फेमस नाम है, क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, तो दोस्तों संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, यमक बोलते हैं, अनुप्रास बोलते हैं, श्लेष या प्रतीक अलंकार बोलते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, वर्णों की आवृत्ति होती है तो दोस्तों वो हो जाता है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अलंकार का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसे भी देख लीजिएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, कनक कनक दो बार, देखिए एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ पे एक बार कनक का अर्थ क्या हो जाता है, सोना हो जाता है, और एक बार दोस्तों क्या है, कनक का अर्थ धतूरा हो जाता है। एक बार क्या होता है, वो पाने से बौराता है, एक बार खाने से बौराता है, तो सोना थोड़ी खाएगा, खाता क्या है, धतूरा खाता है, तो उसे खाने से बौरा जाता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, सोना पा के भी बौरा जाते हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई। तो यमक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। सूर सागर के लेखक हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भीष्म सहनी की रचना का नाम है दोस्तों, यहाँ पे भीष्म सहनी की रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन ए चीफ की दावत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो जो आपको नहीं आता है वो नोट करते चलिए, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। सुदामा चरित के लेखक हैं दोस्तों कौन है, ऑप्शन बी नारोत्तम दास, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चांदनी रात के लिए एक वाक्य क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, सर्वरी विभावरी निशित या निशा, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए सर्वरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों कौन सा है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे स्थायी भाव आपके सभी रसों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, और इसे किसने लिखा है दोस्तों, चंद बरदाई ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य काल का विभाजन हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से वीडियो डाल रखा है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आधुनिक काल बिल्कुल होता है, भक्ति काल भी आता है, रीति काल भी आता है, संयुक्त काल दोस्तों नहीं होता है, और इसने पूछा है क्या विभाजन नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल होता है, भक्तिकाल होता है, तो एक यहाँ पे जो बच रहा था वो दोस्तों क्या है, आदिकाल, आदिकाल यहाँ पे नहीं था, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो कर्कश का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी मधुर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कौन हो जाएगा दोस्तों आपका,
ऑप्शन सी इंद्रजीत हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी कई बार दोस्तों जितेंद्रिय दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं, जबकि इंद्र भगवान यानी इंद्र पर जीतने वाले को, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ जाइए। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी कुलीन, ठीक है। वेरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं है पूछ रहा। तो सुमन फूल का होता है, पुष्प भी होता है, तनुजा नहीं होता है, कुसुम भी फूल का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों ही क्या है, पुष्प के पर्यायवाची हैं, जबकि तनुजा नहीं है। तो तनुजा का क्या होता है दोस्तों, पुत्री का पर्यायवाची है, वेरी इंपॉर्टेंट, पुत्री बेटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसराज किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी श्रृंगार रस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, श्रृंगार रस को ही क्या कहते हैं, रसराज का की उपाधि दी गई है, ठीक है दोस्तों। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा रस है दोस्तों, ऑप्शन डी शांत रस। ये सब मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो दोस्तों ये दोहा छंद, ये सारी चीज़ें मैंने छंद के वाले वीडियो में बता रखी हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिए, ट्रिक का बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों ने बहुत ही उस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन डी चौपाई हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है दोस्तों, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या, पारिजात बिल्कुल होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है, ऑप्शन डी, यानी ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही नोट कर लीजिएगा, अलग अलग बार अलग अलग हर परीक्षा में पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है, मतलब हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है उसकी जननी कौन है, माँ कौन है, तो दोस्तों कौन है आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी संस्कृत ही उनकी आदि जननी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अब दोस्तों हिंदी के परीक्षा में हिंदी दिवस के बारे में ना पूछा जाए तो ये हो ही नहीं सकता, ये आपको पता होना चाहिए, 14 सितंबर, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित, रेखांकित दोस्तों यहाँ पे किया गया है, ये शब्द की वर्तनी शुद्धि कीजिए। तो अध्ययन होता है, क्या होता है दोस्तों इसका शुद्धि, इसका होता है ऑप्शन बी वर्तनी, अध्ययन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आज का क्वेश्चन अविकारी शब्द क्या होता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे, बाकी सभी लोग उसमें से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर